किम जोंग उन 30 साल के भी नहीं थे जब उन्होंने दिसंबर 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद नॉर्थ कोरिया पर अधिकार कर लिया था। किम जोंग उनके शासन को संभालने के बाद कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि जब पूरे देश पर शासन करने का भार स्विट्जरलैंड में पढ़े युवक पर डाला जाएगा तो वह सुधार का रास्ता चुनेगा और देश को तानाशाही शासन पद्धति से आजादी देगा। लेकिन लोगों की भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई और किम जोंग उन अपने पिता किम जोंग इल की तरह ही क्रूर तानाशाह निकले जिसे किसी की हत्या करने में मिनट नहीं लगता। स्विट्जरलैंड में पढ़ने की वजह से लोगों का अनुमान था कि किम जोंग उन देश को तानाशाही शासन से आजादी देंगे, लेकिन किम जोंग उनको लेकर की गई तमाम भविष्यवाणियां गलत साबित हुईं। बचपन में किम जोंग उनको अपने बड़े भाई किम जोंग चोल के साथ स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। बर्न में पढ़ाई करने के बाद किम जोंग उन ने किम इल सोंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में अपनी सैन्य पढ़ाई पूरी की। 2008 में उन्हें नॉर्थ कोरिया का सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया गया था और 2011 में अपने पिता की मौत के बाद देश पर शासन करने का मौका मिला। किम जोंग उन को अपनी तानाशाही पहचान बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उन्होंने हर उस व्यक्ति को खत्म करने में केवल 3 से 4 साल लगाए जो प्रभावशाली या शक्तिशाली हो सकते थे। स्विट्जरलैंड भी किम जोंग उन को बदलने में नाकाम रहा। फरवरी 2017 में किम ने पूरी दुनिया को उस वक्त चौंका दिया जब उसने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बजट टर्मिनल पर घातक जहर नर्व एजेंट के जरिए अपने सौतेले भाई की हत्या करवा दी। भाई की हत्या के कुछ समय बाद किम जोंग उन ने मिसाइल टेस्ट की झड़ी लगाकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी, जिसमें से 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं जो अमेरिका के प्रमुख शहरों को उड़ाने में सक्षम हैं। जिसके बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए थे और उन्होंने उत्तर कोरिया को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दे दी थी। हालांकि अगले ही साल स्थिति पूरी तरह से पलट गई और डोनाल्ड ट्रंप ने जनता को बताया कि वह किम जोंग उनके साथ एक बैठक करने के लिए राजी हो गए हैं और फिर कुछ समय के लिए परमाणु युद्ध का तनाव कम हो गया था। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी मुलाकात भी हुई थी जिसमें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन भी शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और वार्ता करके किम जोंग उन ने अपने आप को अपने पिता और दादा से भी अलग कर लिया। उन्होंने कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं की थी। नॉर्थ कोरिया को उम्मीद थी कि इन सम्मेलनों से उसे प्रतिबंधों से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और साल 2019 में उत्तर कोरिया ने फिर से हथियारों के परीक्षण शुरू कर दिए। साल 2020 की शुरुआती महीनों में अचानक किम जोंग उन कई महीनों के लिए गायब हो गए थे और फिर किम जोंग उन की मौत की अफवाह भी उड़ी थी। लेकिन कुछ महीने बाद किम जोंग उन एक बार फिर से सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे और इस बार उनका वजन भी काफी कम हो गया था। किम जोंग उन सार्वजनिक रूप से दिखते ही उन्होंने अमेरिका को धमकी दे डाली और कहा था कि उत्तर कोरिया अमेरिकी आक्रमण को रोकने के लिए विनाशक हथियार तैयार कर रहा है। हालांकि इसके बाद से फिर से वार्ता की उम्मीदों को झटका लगा है क्योंकि उत्तर कोरिया फिर से अपने सख्त रवैये पर लौट चुका है। कोविड महामारी ने भी देश को काफी प्रभावित किया है। जनवरी 2020 के बाद से देश की सीमाएं बंद हैं। उत्तर कोरिया भीष्म खाद्य संकट से जूझ रहा है। आलम यह है कि उत्तर कोरिया के लोग चावल के एक एक दाने को तरस रहे हैं। ऐसे में तानाशाह शासक किम जोंग उन के सामने देश की जनता का पेट भरने की सबसे बड़ी चुनौती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया कोरोना संकट के बाद इस बार सर्दियों में भयंकर खाद्य संकट में फंस गया है। आलम यह है कि पूरे देश में भुखमरी के हालात बनते जा रहे हैं। किम जोंग उन अब भले ही उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता हों, लेकिन वो अब भी अपने पिता और दादा से पीछे ही हैं।